अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये शाम का टाइम है और यहाँ पर हमने मेथी ली हुई थी और मेथी को हमने तोड़ लिया है, इसके लीव्स को, और इसको अब हम सुखाएंगे। तो जब सर्दियाँ चली जाती हैं तो गर्मी में मेथी आलू की भुजिया बनाओ तो बड़े मज़े की बनती है। तो बस इसको तोड़ लीजिए, तोड़ करके धूप में सुखा लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने ये देखिए गाजर, मूली, मिर्ची और साथ में लहसुन लिया है, उसका अचार बनाना है। तो उसमें हल्दी नमक लगा करके इसको हम रख देंगे, ये नेक्स्ट डे का है। इसके बाद यहाँ पर हम ले आए थे मेयोनीज, तो इसे इस बार हमने इस तरह से बॉक्स में रखा है, ये हमारा आइसक्रीम का बॉक्स था, इसमें रख दिया, इसमें निकालने में इजी रहेगा। तो बच्चे सुबह स्कूल जा चुके हैं, तंजिया कॉलेज जा चुकी है, तो सुबह का टाइम है और सुबह सुबह फिर जो काम डेली रूटीन के होते हैं सुबह से शाम तक के वो हो रहे थे। फ्रिज यहाँ पर हमने साफ कर ली है और चीज़ों को असेंबल कर देंगे। ये तो रोज़ का काम होता है, फ्रिज रोज़ एक बार खोलना होता है, उसे सेट करना होता है, क्या चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसे निकाल दिया जाए, क्या रखनी है, तो ये सब चीज़ें रोज़ एक बार ज़रूर देखते हैं। अगर इसको ना देखें तो चीज़ें वेस्ट होंगी, ख़राब होंगी। तो बस ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं, हाउसवाइफ का ये काम होता है, तो चीज़ों को रखने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। उसके बाद इधर हम आ जाते हैं अपने अचार की तरफ। तो इसको हमने एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था, अब इसको एक स्ट्रेनर में डाल देंगे और डाल करके इसको फिर से एक घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि इसका पानी जो है एक्स्ट्रा वो सब निकल जाए, उसके बाद हम इसे बनाएंगे। तो इसको हमने छोड़ दिया था, अब ये देखिए इसका सारा पानी स्ट्रेन हो गया। उसके बाद इसे इस तरह से एक थाली में हमने फैला दिया और इसे चलिए धूप में रखाते हैं। धूप में इसे रख देते हैं 3-4 घंटे तेज़ धूप में, ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा, इसमें कोई भी एक्सेस वाटर नहीं रहेगा। इसके बाद हमने अब इसका मसाला रेडी करना है जो इसमें डालेंगे। तो ये इसमें राई है हमने डाली है 1 चम्मच भर के, और 1 चम्मच भर की ही पीली सरसों डाली है, और 1 चम्मच और 1/2 स्पून और यानी 1.5 चम्मच खड़ा धनिया, और 1.5 चम्मच ही इसमें हम सौंफ डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे और थोड़ी सी मेथी डालेंगे। अजवाइन और मेथी की क्वांटिटी कम रखेंगे और 1 चम्मच ही इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। इसे ड्राई रोस्ट करना है हल्का सा, उसके बाद इसे ग्राइंड करके पाउडर बनाएंगे। इधर हमने 1 कप ऑयल को अच्छे से गर्म करके ठंडा कर लेना है। अब ये शाम का क्लिप है, शाम को इधर देखिए हमने मसाला रेडी करना है। तो हमने एक बोल में हल्दी, मिर्चा, धनिया, चाट मसाला डाला, और जो हमने मसाला तैयार किया था पाउडर उसको डाला, और आधा ऑयल डाल दिया है इसमें, जो गरम किया हुआ तेल था ठंडा किया हुआ। साथ में विनीगर इसमें डाला है, वाइट विनीगर है हमारे पास, 1 चम्मच भर के डाला है। और ये देखिए अच्छे से हमारा ये ड्राई हो गया था, जो हमने गाजर मूली को अच्छे से धूप में रखा था उसको इसमें मिला देंगे डाल करके। और इसके बाद इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी हमने डाली है जिसको मंगरेल बोलते हैं, और बाकी बचा हुआ ऑयल इसमें डाल देंगे। अच्छे से इसको मिला दीजिए और 1 घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ दीजिए, और उसके बाद इसे आप जार में डाल लीजिए, और जार में डालने के बाद इसमें और ऑयल डाल दीजिएगा, इतना ऑयल डालना है कि ये अच्छी तरह से उसमें डूब जाए। तो ये आपका मज़ेदार सा अचार रेडी हो जाएगा। तो सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए गर्मी आने से पहले, ताकि गर्मी में भी आप इस अचार का एंजॉय कर सकें, क्योंकि मूली गाजर कम आने लगता है। अब ये शाम का क्लिप है, शाम को ये देखिए यहाँ पर हम बना रहे थे चाउमीन, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों के क्या आलिया के चल रहे हैं, तो प्रॉपर ढंग से आलिया जो हैं बताया, बच्चे खाना ढंग से खाते नहीं हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में कुछ उन्हें अलट पलट के बना के दे दो ताकि अच्छे से उनके टेस्ट के हिसाब से वो खा लें। तो हेल्दी फूड्स भी देते हैं, ये सब चीज़ें भी थोड़ा सा दे देते हैं। तो शाम को ये हुआ कि चलो चाउमीन बना देते हैं, बच्चों को पसंद है। तो कोई प्रॉपर इसकी रेसिपी दे नहीं रहे हैं, आप सबको बनाना आता होगा, कुछ वेजीज़ हमारे पास जो थी उसी को डाल करके हमने इसको बना दिया है, और इसके साथ हमने सोचा कुछ और बना लें, तो वो क्या है अभी आप इसको आगे देखिएगा। तो बस अब ये जो है सर्दियां जो हैं वो तकरीबन चली ही गई हैं, गर्मी आ गई है, तो कुछ इंतज़ाम कर लेने चाहिए। वैसे तो ज़्यादातर क्या किया जाता है, कपड़ों का इंतज़ाम किया जाता है, यानी समर के जो सूट्स वगैरह हैं वो बनाए जाते हैं ताकि तैयारी कर ली जाए समर की, विंटर्स के कपड़े रख दिए जाते हैं। और यहाँ पर ये देखिए आलू हमारे पास बॉयल रखा हुआ था, तो इसके साथ हमने सोचा मज़ेदार सी चीज़ें स्टिक्स बना दी जाए, तो ये भी बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और बच्चों को तो इसे खा करके मज़ा आ जाएगा।
बस यही सब चलता रहता है। इसमें हमने थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड किया था बाइंडिंग के लिए, आप चाहिए तो ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास चीज़ था, तो क्यूब चीज़ था, मोज़रेला नहीं था, तो उसी से हमने इसको बना लिया था और एग के साथ हमने इसको बनाया था। आप चाहिए तो सेलरी बना लीजिए मैदे की और उस पर कोट कर दीजिए, जैसा आप चाहिए। और ये है हमारे पास आइसक्रीम स्टिक्स, इसमें डाल दिया था। इस तरह से बना देते हैं तो देखने में अच्छा लगता है। तो कोई चीज़ जब देखने में आँखों को सबसे पहले जब चीज़ अट्रैक्ट करती है तो खाने में वो खुद ब खुद अच्छी आती है। तो पहले आँखों को चीज़ें भानी चाहिए, टेस्ट को अपने आप समझ में आने लगता है उसका टेस्ट क्या है क्या नहीं है। तो बस इस तरह से इसे आप कोट कर दीजिए और कोट करके इसे फ्राई कर लीजिए। तो यही था आज का हमारा ये रूटीन दिन भर का। और शाम को जब हम ये सब बना रहे थे तो फिर ये हुआ कि आज डिनर तो बनेगा नहीं, क्योंकि बच्चे जब ये सब खा लेंगे तो मुश्किल है कि वो अब डिनर करें। तो मजबूरी थी, हस्बैंड तो खाएंगे ही क्योंकि उन्हें रात में रोटी खाना ही खाना है, तो उन्हें ये सब चीज़ें थोड़ा कम पसंद है। लेकिन इत्तेफाक था वो भी आ गए थे, आ क्या गए थे, बच्चों ने उन्हें कॉल करके बुला लिया था, तो फिर उन्होंने भी हमारे साथ इसे इंजॉय किया। वैसे वो ये सब चीज़ें थोड़ा सा कम पसंद करते हैं, लेकिन अब जब बना था तो खाना तो था ही और साथ में इतना टेस्टी था तो सवाल ही नहीं उठता कि मज़ा ना आए। तो बस अब रात में देखते हैं डिनर में वो क्या करते हैं। बहुत होगा रोटी, उनको रोटी चाहिए, ऑमलेट बना देंगे रोटी के साथ वो खा लेंगे, या दिन का कुछ बचा खुचा होगा तो उसके साथ खा लेंगे। तो आई होप कि आज का हमारा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा और बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी होंगी। तो आप भी इसी तरह से मेथी को सुखा लीजिए, ड्राई कर लीजिए ताकि गर्मियों में आपका साथ दे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।